कहाँ से आए हैं, कितने दिनों से निकले हैं और कहाँ कहाँ से प्रोग्राम किया और प्रोग्राम का रूपरेखा क्या है, कैसे प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं? हम केसरापल्ली आश्रम से, उड़ीसा केसरापल्ली आश्रम से निकले हुए हैं। हर साल ऐसे पूज्य सदगुरुदेव की कृपा से हर साल ऐसे हम लोग का कार्यक्रम रहता है, जैसे कि दीपावली से लेकर पूनम तक। इस साल लेकिन कोरोना के वजह से उसका पीरियड, टाइम पीरियड कम किया गया है, जो कि 7 दिन है। हम 23 तारीख को निकले हैं और वहीं से निकले कर अपना रामनावाड़ी, जो कि एकदम पूरा पहाड़ी इलाका है, रामनावाड़ी में पहला दिन नगर संकीर्तन किया है। फिर 24 तारीख को हम वहीं पे भंडारा का कार्यक्रम था, सत्संग का कार्यक्रम था और आखपाक में 10 गांव में ऐसे हरिनाम का संकीर्तन करके और आखपाक के जितने भी गरीबों को अनाज, वस्त्र और कंबल, शीत वस्त्र जो कि है उनको भी वितरण किया गया है। उसके बाद हम वहीं से निकल कर आके गोच्छा आ गए, उसके थोड़ी देर 20-35 किलोमीटर दूर आके गोच्छा में, और गोच्छा के आसपास में 10 गांव में जितने गांव है उसमें से नगर परिक्रमा किया है, हरिनाम का संकीर्तन किया है। और दूसरा दिन जो कि गोच्छा के बाद दूसरा दिन आसपास में वहीं पे भंडारा भी हुआ है गोच्छा में। फिर हम आज इस जगह जो कि करोड़ा में पहुंच गए, और करोड़ा में आज आसपास में 10 गांव सुबह से 7 बजे से निकले हुए, अभी 11 बजने को आया है। हम 10 गांव घूम घूम के आए, फिर हम जाके अभी करोड़ा में फिर नगर संकीर्तन करेंगे, फिर शाम को सत्संग भी होगा, फिर अगला दिन वही करोड़ा गांव में भंडारा का कार्यक्रम हो रहेगा। अच्छा, आप लोग ये भंडारा कार्यक्रम जो करते हो, भंडारे में क्या क्या देते हो लोगों को? सभी गरीबों को कंबल देते हैं और बर्तन देते हैं, चावल, दाल, रुपया और मिठाई, ये सब वितरण करते हैं, गरीबों में देते हैं। अच्छा, इसका प्रभाव पड़ता है उन लोगों के ऊपर, हमारे हिंदू संस्कृति का, सनातन धर्म का, हमारा के बारे में सचेतन होते हैं वो लोग? हाँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरे पहाड़ी इलाका है, जितने भी देख रहे हैं पहाड़, इस पहाड़ी इलाके में पूरे गरीबों लोग बस्ती में पूरे, जैसे कि पूरे के पूरे देहाती रहते हैं, उसी में जाकर हम ये गरीबों को वितरण करते हैं। पहाड़ी इलाका में हम जाते हैं, प्रभाव जरूर पड़ता है, यही हमारा उद्देश्य रहता है, हमारे गुरु जी का भी यही उद्देश्य रहता है, सबको हरिनाम का। जैसे कि कई संस्था के लोग आते हैं बाहर धर्म के, तो धर्मांतरण करते हैं, गरीब लोगों का जो सरल स्वभाव होता है उनका फायदा लेते हैं और धर्मांतरण करते हैं, तो उसको कैसे समझाते हैं आप? हाँ, यही समझाते हैं कि देखो, जैसे कि वो लोग कन्वर्ट होते हैं, उसको प्रभावित करके पैसा रुपया दे के प्रभावित कर लेते हैं, और उन लोग को खुद भी बोलते हैं कि गोमांस खा लो, लेकिन हम इसे बापूजी हमको यही प्रेरणा देते कि गांव जाओ, सबको अपना धर्म के बारे में बताओ, जो कि निज धर्म में जीना अच्छा है, पर धर्म में मर जाना भी अच्छा है, ऐसा बोल के हम भेजे हैं। और बापू जी के कृपा से हम गांव-गांव जाके हिंदू संस्कृति का वो जो है उनको सत्य सनातन जो है उनको बताते हैं, और अपने धर्म की ओर प्रचार करके हम ऐसे गांव-गांव, जैसे कि कन्वर्ट न हुए ऐसे करके हम आते हैं। और क्या करते हैं, गांव-गांव घूम के हमारे बच्चे जो होते हैं कि ऋषि प्रसाद भी करते हैं, लोक कल्याण सेतु भी करते हैं, सत्साहित्य भी वितरण होता है, ऐसे ही हम लोग का प्रचार प्रसार गुरु जी की कृपा से हर साल जैसे हो रहा है, इस साल भी ऐसे ही है।